हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तेरा भाई निहार। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ प्रीमियम। एग्जैक्टली आपने सही सुना, आज का हमारा जो प्रोडक्ट हम रिव्यू देने वाले हैं वो थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है। जैसे कि आपने उसका नाम भी सुना होगा, सो वो ब्रांड है दी सोल स्टोर। हम सोल स्टोर के दो अलग अलग टी शर्ट परचेज करके लाए हैं। दोनों ही राउंड नेक है, बट एक है ओवरसाइज और एक है रेगुलर फिट। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं ये दोनों प्रोडक्ट और क्या जितना ये हाइप्ड है और जितना हाई प्राइस है कंपैरेटिवली टू द अदर प्रोडक्ट्स, इतना अच्छा क्वालिटी भी है या नहीं। सो ये आ गया हमारा बॉक्स। काफी अच्छी पैकिंग है, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। सोल स्टोर लिखा हुआ है, इट कंटेन्स हैप्पीनेस इसमें लिखा हुआ है और इसके अंदर रैपिंग भी काफी अच्छी है। ये है हमारा पहला प्रोडक्ट, दिस इज ओवरसाइज टी शर्ट जिसमें WB लिखा हुआ है। DC कॉमिक्स के ऊपर है, ये ब्लैक कलर का है और इसमें एक गोल्डन और यू कैन से बीच कलर का एक पैचेस है ऑन द नेक एंड शोल्डर वाले एरिया में, और पीछे एक बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग है जिसमें बक्स बनी की प्रिंट है एंड प्ले इट अगेन सैम। सोल स्टोर बिलोंग्स टू ए प्रीमियम ब्रांड, सो जैसे कि हमने कहा प्रीमियम ब्रांड, तो इसका कपड़ा और फैब्रिक भी प्रीमियम है। आप रेट टैग देख सकते हैं, ये वैसे तो हमें सोल स्टोर के साइट से परचेज करने पे 900 समथिंग का पड़ा है, उसमें GST कटता है एंड समहाउ दे गेव इट एज ए कैशबैक। GST को ये कैशबैक में देते हैं सोल स्टोर वाले। सो आप अंदर से देख सकते हैं काफी मोटा है फैब्रिक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टिचिंग बहुत अच्छी है और पहनने में आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि इस फैब्रिक में थोड़ा वेट है और काफी अच्छा है। ये स्ट्रेचेबल है नेक के पास, आप देख सकते हैं, और प्रिंट जैसे कि मैं बोल रहा था प्रिंट बहुत ही अच्छा है। ये प्रिंट मुझे देख के इतना तो आइडिया है कि ये वॉश के बाद खराब नहीं होने वाला, ये प्रिंट रहेगा अच्छा खासा। प्लास्टिक सा सॉर्ट ऑफ प्रिंट है लेकिन काफी थिक है और काफी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं इसे पहन के देखते हैं कि पहन के कैसा लगता है ये। आइए फिर पहनते हैं इसे। बारी है हमारे दूसरे प्रोडक्ट की, ये इसके अंदर एक और रैपिंग के अंदर है वो प्रोडक्ट, और इसमें भी वही सेम चीजें मेंशन है 2013 से लेके 2023 तक सोल स्टोर की जर्नी काफी अच्छे से मेंशन कर रखी है। और ये है हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो कि रेगुलर फिट है, ये ओवरसाइज नहीं है, रेगुलर फिट है। इसमें आप देख सकते हैं टॉम की एक बहुत ही अच्छी सी इमेज बनी हुई है। सोल स्टोर इज फेमस फॉर ऑल द कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर वो ज्यादातर उसके मर्चेंडाइज होते हैं, वो सारे के सारे कार्टून कैरेक्टर्स पे होते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं इसमें पीछे लाइट ऑलिव कलर का प्रिंट है टी शर्ट का, और इस पर भी प्रिंटिंग बहुत ही बेहतरीन है। ये पर्टिकुलर टी शर्ट हमें पड़ा है अराउंड 580 समथिंग का। स्टिचिंग बेहतरीन है, बट यस इसका फैब्रिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला है। जैसे कि हमने दूसरे वाले का फैब्रिक दिखाया था, वो अंदर से कहीं ना कहीं एक थिक है, एक पैटर्न ही अलग आ रहा है अंदर की तरह, बट यहाँ ये फैब्रिक सिंपल है। मैं ये नहीं बोलूंगा फैब्रिक खराब है, कपड़ा अच्छा है, बट कंपैरेटिवली टू द ओवरसाइज ये थोड़ा सा थिन है। बाकी इसके भी नेक के पास इलास्टिक है। मेरा कहना है कि अगर आपको 500 to 600 के बीच इस क्वालिटी का, इस फैब्रिक का एक टी शर्ट मिल रहा है विच सच ए ग्रेट प्रिंट, तो इट्स नॉट बैड फॉर मी, इट्स ए गुड परचेज फॉर मी। बाकी इसे पहन के आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। सो आइए चलिए।
आफ्टर ट्राइंग बोथ द प्रोडक्ट्स जो मुझे लगा कि क्वालिटी वाइज दोनों ही बहुत अच्छे थे, बट द ओवरसाइज वन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो उसका इनर मटेरियल है, जो फैब्रिक है, वो काफी अच्छा है एंड इट्स वेरी थिक. सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर समर्स, बट विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेंडी लुक देता है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एज वेल. बट इन द अदर हैंड जो रेगुलर साइज है, इट वॉज ओके ओके, मैं ऐसे बुरा तो नहीं बोलूंगा. बट द प्रिंटिंग, ऑन द प्रिंटिंग स्पेशली, आपने जैसे देखा उस टॉम की प्रिंटिंग थी, वो काफी अच्छी है. नॉर्मली ऐसे टी शर्ट्स में प्रिंटिंग बहुत जल्दी टियर कर जाती है, कहीं ना कहीं निकल जाती है, बट यहाँ इसको देख के लग रहा है कि प्रिंटिंग काफी सॉलिड है, एक थिक लेयर है और काफी अट्रैक्टिव लगता भी है देखने में भी और पहनने में भी काफी अच्छा लगता है. सो एज पर इसका जो नाम है, मार्केट में जो ट्रेंड कर रहा है, उसके हिसाब से यस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. एंड सोल स्टोर का कहीं ना कहीं ये प्रीमियम ब्रांड में आता है, तो इसका प्रोडक्ट भी प्रीमियम ही है एंड स्पेशली द ओवरसाइज वन इज लिटरली ऑसम. सो आज के लिए बस इतना ही. बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए कुछ और नई वीडियोस भी लेके आऊंगा. और अगर आपको सोल स्टोर के ही किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, देन ऑल्सो कमेंट करके बताएं. और इसी के साथ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे, फॉलो, शेयर, लाइक, ये तो बहुत जरूरी है, तो करते रहे. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में.